ओहो, सुर बिगड़ गया, समाज का भी ऐसे सुर बिगड़ गया है। मैंने कब कहा कि हमें बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, लेकिन इनसे भी बड़ी हमारी जरूरत है। अगर हम उन जरूरतों को सुनकर समझकर उसे उसका कुछ निदान कर सकें तो हम आतंकवाद और ड्रग जैसी समस्याओं का भी समाधान कर पाएंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं रोजाना सुबह किसी न किसी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए। कल भी किसी कॉलेज में गया हुआ था, वहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स जो पास करके चले गए थे उनका प्रोग्राम था। उनमें से 80% स्टूडेंट्स मुझे मायूस नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ मेरे पास आए और मुझसे पूछा, सर आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा, हाँ बताइए क्या चाहिए। सर वो हम में से किसी को 1 साल, किसी को 2, 3, 4 साल हो गए, अभी तक हमारा मनपसंद जॉब हमें नहीं मिलता है। हम में से कुछ लोग जो डॉक्टर हो गए हैं वो पुलिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके, जो उनके कोर्स के हिसाब से उस स्टैंडर्ड के नहीं है, और कुछ लोग तो बिना जॉब के हैं। सर हमने बहुत कोशिश की, आपको सलाह दीजिए, उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा एक काम करो, तुम सरकार को लिखो, जब वो इतनी सारी सुविधाएं दे सकती है तो क्यों नहीं नए रोजगार उत्पन्न कर सकती। उन्होंने कहा बहुत किया, ऐसा नहीं हुआ। अब हम में से काफी लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि वो आत्महत्या करने तक का विचार कर चुके हैं, तो ऐसे ऐसा मत करना। तो सर फिर क्या करें, तुम आंदोलन करो। वो बोले भूख हड़ताल। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आंदोलन करो, अगर आंदोलन से काम नहीं चलता तो बंद कर दो, राष्ट्रव्यापी बंद, सारे विद्यार्थी मिलकर, क्योंकि समूह से तो सरकार भी डरती है, भीड़ से, एकता से। उनमें से एक लड़का बोला, सर हर शाख पे कौवा बैठा है, चिड़िया का भविष्य क्या होगा। बहुत तकलीफ दे बात थी। मैंने उनसे कहा बंद का सिर्फ ऐलान कर दो, इस ऐलान भर से लोगों को आरक्षण तक मिल जाता है, तुम्हारे लिए नए जॉब्स अवेलेबल नहीं करा पाएगी सरकार। होगा, आओ मेरे सुर में सुर मिलाओ।